हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनु आइडिया एंड जुगाड़। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ऐसा जुगाड़ लेके आई हूँ कि आप भी सोचोगे कि मनु कहाँ कहाँ से आइडियाज और जुगाड़ ढूंढ के लाती है। तो चलिए देखते हैं ये क्या आइडिया है। फ्रेंड देखिए, ऐसे स्टॉपर देखे होंगे हम लोग के घरों के, टूट जाते हैं। ये मजबूत तो बहुत होते हैं, लेकिन क्या होता है, इनके नीचे का जो रबड़ रहता है वही टूटता है। अब सिर्फ रबड़ तो आता नहीं है, इसके लिए हमें पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको ऐसा आइडिया बताती हूँ जिससे आप इसको घर पे ही रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या ये आइडिया है। देखिए, मैंने इसके लिए क्या लिया है, ये सिरप की डिब्बी है। ये आप देखे होंगे जो बच्चों की दवाई आती है फीवर वाली, सर्दी वाली, ये उसके ढक्कन मैंने लिया हुआ है। और उसके साथ में मैंने एक डब्बा एम सील का लिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये भी 10 रुपए का ही आता है, महंगा नहीं आता है। इन दोनों को खोल के आपको अच्छे से मिक्स करना है। मैं अभी पूरा ले रही हूँ क्योंकि इसका थोड़ा सा यूज मैं कुछ और भी करूंगी। ये देखिए, मैंने एम सील के ये दोनों जो पाउच दिए रहते हैं दोनों को खोल लिया है। अब दोनों को क्या करना है, मिक्स करना है। दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, तभी इसकी बॉन्डिंग अच्छे से आती है। आप चाहे तो बिना डब्बे के भी लगा सकते हैं, पर क्या है कि हमेशा यूज होने से एम सील नीचे से टूट सकती है, जैसे प्लास्टिक टूट जाता है। इसीलिए मैं इसको ऐसे डब्बे के अंदर डाल के लगाऊंगी, उससे क्या है इसमें अच्छी मजबूती रहेगी। तो इस तरीके से पूरा इसको अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है। फ्रेंड, आप भी सोच रहे होंगे मनु कहाँ कहाँ से आइडिया जुगाड़ लेके आती है, पर आप इसको यूज करके देखिएगा, जरूर ये काम करेगा। फ्रेंड देखिए, अच्छे से मैंने पूरा मिक्स कर लिया है। अब इतना बड़ा मैंने ऐसे टुकड़ा लेके क्या करूंगी, इसके अंदर भर दूंगी। थोड़ा सा और हम भर लेंगे इसको अच्छे से, डब्बी को पूरा फुल कर लेना है। इस तरीके से देखिए, पूरा फुल कर लेंगे अच्छे से दबा दबा के। और स्टॉपर का जो ये है, इसको हम इसके अंदर ही लगा देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टॉपर का ये जो नीचे वाला है, ये जमीन में टच होगी तभी तो ये स्टॉपर का काम करेगा, नहीं तो क्या है कि ये ऊपर ही रहेगा। तो अब इसको पूरा अच्छे से हम इसमें, ये देखिए ऐसे टाइप का, देखिए आप देख रहे हैं इस टाइप का पूरा, मैं इसको जमीन से टच होने तक में इतना सेट करूंगी कि ये जमीन में भी टच रहे और ऊपर भी इसको पकड़ा रहे। और इसके बाद थोड़ा सा और लेके मैं इसको ऊपर से भी पूरा अटैच कर दूंगी, ताकि अच्छे से स्टॉपर हमारा मजबूती से बना रहेगा और हमारी जो डब्बी है वो अच्छे से इसमें चिपकी रहेगी। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए आपका जुगाड़ू स्टॉपर बनके तैयार है। बस आपको इसको अब सूखने देना है, क्योंकि ये जब सूख जाएगा तभी अच्छे से हार्ड हो जाएगा। अभी आपको इसको ऐसे जमीन में टच करके रख देना। ये देखिए, पूरा हमारा टच हो गया है जमीन को, है ना एकदम जुगाड़ू स्टॉपर। तो बस इसे अब सूखने देना है, क्योंकि सूख के ये एकदम हार्ड हो जाएगा और अच्छा मजबूत हो जाएगा। अभी जो बड़ा वाला बचा हुआ है, तो अब मैं इसका भी यूज आपको बताती हूँ। ऐसे गैस के पाइप तो आप सबके घरों में निकले हुए होंगे। तो ये क्या होता है, कुछ भी गिरता है स्लैब पे, या पानी गिरता है, या दूध उबल के गिरता है, तो क्या होल के होते हुए होल से नीचे हमारे अंदर रैक में चला जाता है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, ये ऐसे ही आपको ये एम सील लेना है और इसको ऐसे लंबा लंबा कर लेना है, जैसे हम ऐसे लंबा बनाते हैं इसको चाउमीन जैसा लंबा लंबा। और इसको ही हमको यहाँ पे सेट करना है। इसकी मोटाई थोड़ा सा, थिकनेस ज्यादा रखिएगा, क्योंकि एकदम कम रहेगा ना तो क्या है कि फिर वो पतला ही रहेगा, ऊपर से पानी गिरेगा। और बस आपको इसको ऐसे करते हुए यहाँ पे राउंड बना देना है और हाथ से अच्छे से ऐसे प्रेस कर देना। इसे क्या है कि स्लैब पे पानी गिरे, या दूध उबल के गिरे, या चाय गिरे, कुछ भी जो है वो होल से होते हुए नीचे की ओर नहीं जाएगी। तो बस इसको ऐसे हाथ से दबाते हुए प्रेस कर दीजिए, अच्छे से चिपक जाएगा। और बस सूखने के बाद ये एकदम हार्ड हो जाएगा। तो है ना सही आइडिया, स्लैब और रैक भी नहीं खराब होंगे। फ्रेंड देखिए, और भी जो बचा हुआ है, आप लोग जहाँ पे नलों का ज्वाइंट रहता है पानी गिरता रहता है, तो क्या आपको क्या करना है, बस पहले वॉल्व को बंद करना है और उसके बाद उस एरिया में हमें ये एम सील लगा देना है, इससे जो पानी का लीकेज है वो बंद हो जाता है। तो हो गया ना छोटे छोटे घरेलू जुगाड़ जो आपके काम को एकदम ईजी बना देंगे।